देश के 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मार्च महीने में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में वित्त मंत्री से 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टरों के नाम मांगे थे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। अब इस पर सियासत इसलिए गर्माई है क्योंकि आरटीआई के जरिए 50 विलफुल डिफॉल्टरों के नाम सामने आए हैं। सबसे पहले आप समझिए आखिरकार विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं। ऐसे लोग जो बैंकों से कर्ज लेते हैं और उन्हें चुकाने में भी सक्षम होते हैं लेकिन चुकाते नहीं हैं, ऐसे लोगों को विलफुल डिफॉल्टर की सूची में डाला जाता है। अब आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि इन विलफुल डिफॉल्टर्स का कर्ज राइट ऑफ कर दिया गया। ये लोन 68,600 करोड़ के हैं, यानी कि इसे अब बट्टे खाते में डाल दिया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने 19 मार्च को आरटीआई लगाई थी और 24 अप्रैल को उसका जवाब मिला। अब सियासत बट्टे खाते से ही निकलती है। दरअसल बट्टे खाते में डालने का मतलब होता है कि बैंकों को उस कर्ज के वापस आने की उम्मीद नहीं है। ये बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाला एक तकनीकी शब्द ही है जिसका सीधा मतलब जीरो होता है, यानी कि ये एनपीए को मैनेज करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये कर्ज को पूरी तरह से माफ भी नहीं करता। अब आपको बताते हैं आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ उसमें किस किस कारोबारी का नाम शामिल है। लिस्ट में सबसे पहले गीतांजलि जेम्स का नाम है। ये कंपनी भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की कंपनी है जिसका 5,492 का कर्ज राइट ऑफ किया गया। इसके अलावा लिस्ट में मेहुल चौकसी की दो और कंपनियां भी शामिल हैं। इसमें भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंग फिशर भी शामिल है जिसका 1,943 करोड़ का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया। अब इन 50 विलफुल डिफॉल्टरों के कर्ज को राइट ऑफ करने पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। 5.5 वर्षों में मोदी सरकार ने बैंक घोटालेबाजों का 6,66,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया है। इनमें 5.5 वर्ष यानी सितंबर 2019 तक, 2014-15 से सितंबर 2019 तक 100 करोड़ रुपए से अधिक के घोटालेबाजों का बैंक लोन माफी की राशि 5,10,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब मजदूर का 2,70,513 करोड़ रुपया बैंक फ्रॉड में डूब गया। ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कोरोना की महामारी की जंग पूरा देश लड़ रहा है, ऐसे में बैंक डिफॉल्टरों का 68,000 करोड़ रुपया जब आप राइट ऑफ कर रहे हैं और 5.5 वर्षों में 6,66,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर रहे हैं, देशवासी जवाब मांगते हैं। बहरहाल देश में इस वक्त कोरोना संकट है, एक बड़ी आर्थिक महामंदी की चेतावनी भी दी गई है, लेकिन ऐसे में 50 विलफुल डिफॉल्टरों के कर्ज को राइट ऑफ करने पर सियासत तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।